हमारे देश में भूजल की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा विकट है, और इसका जो जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे देश की जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अबाउट 80% जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में जाता है, और उस 80% में से ऑलमोस्ट 90% जो यूटिलाइजेशन है वो ग्राउंड वाटर से होता है। इसकी शुरुआत तो हुई थी हमारे देश में जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन डिक्लेयर किया था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन डिक्लेयर करने के बाद हम जो भूजल की जो व्यवस्था है उसको करने में हम तो पूरी तरह समर्थ रहे हैं, और इसका नतीजा ये है कि जो पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स जो हमारे देश के फूड बास्केट कहलाते हैं वहां पे इस वक्त भूजल का लेवल जो है वो 20 से 25 मीटर नीचे चला गया है, और ये स्थिति कंटिन्यू रहेगी अगर हमने कोई समाधान इसका तुरंत नहीं निकाला। तो हम लोगों ने हमारे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कोलीग्स हैं उनके साथ मिलकर अभी एक स्टडी कंप्लीट करी है पंजाब और हरियाणा में, उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि अगर ये स्थिति इसी तरह चलती रही तो कई सारे जो शहर हैं पंजाब और हरियाणा में वहां पर भूजल की स्थिति और भी विकट हो जाएगी। हम लोगों ने मॉडलिंग करके ये भी दिखाया है कि अगर हम अपने भूजल की आपूर्ति भूजल की जो का यूटिलाइजेशन है उसमें अगर हम 20% भी कम कर लें तो हमारे कई सारे शहर जो हैं वो उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। तो और इसके अलावा हमें जो सरफेस वाटर है उसके साथ और भूजल की दोनों को मिला करके जो यूटिलाइजेशन प्लान है वो बनाना पड़ेगा। सिर्फ भूजल पे डिपेंडेंट होने में बहुत ज्यादा खतरा है।